हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर पोको फ़ोन में कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो फ़ोन का डायलर है जिससे फ़ोन लगाते हैं, इस ऐप पर कुछ सेकंड तक टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। अब हम आते हैं बैक होम स्क्रीन पर। अब फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा, तो सबसे पहले वॉल्यूम चेक कर लेना है। अगर फ़ोन के रिंगटोन का वॉल्यूम कम रहेगा तो रिंगटोन जब बजेगा तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए आप सबसे पहले रिंगटोन के वॉल्यूम को फुल कर देना। देखिए हमने कर दिया। इतना करने के बाद अब यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक बार आपको अपने रिंगटोन को बदलना है, जो आपने पहले सेट की है उसे बदल कर दूसरी लगानी है। तो यहाँ से हम कोई दूसरी लगा लेते हैं। देखिए सेट हो चुकी है, जैसे ही कि आप किसी दूसरे रिंगटोन पर क्लिक करेंगे तो सेट हो जाएगी। तो अब हम बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है वाइब्रेट ऑन रिंग का, अगर ये ऑप्शन बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है। इससे क्या होगा, जब कोई कॉल करेगा तो फ़ोन रिंगटोन के साथ साथ वाइब्रेट भी करेगा। तो इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। जैसे ही इतना कर देंगे आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। अब जब भी कोई कॉल करेगा तो फ़ोन का रिंगटोन बजेगा और पता भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।